कैनन 2900B और HP 10P जो प्रिंटर है उनके अंदर अगर आपके पिकअप रोलर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको घर पे इजीली चेंज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पिकअप रोलर होता है, ये क्या करता है अपना, जब अपन पेपर डालते हैं ना तो इसके थ्रू पेपर पुश होके ऊपर उठता है और आगे प्रिंटिंग के लिए जाता है। तो ये ऑलमोस्ट सभी में सेम ही होता है, तो इसको जो चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस हल्का सा जो लॉकिंग सिस्टम होता है उसको ध्यान रखना होगा और आप इजी वे कर पाओगे। इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस साइड के अंदर दो लॉक होते हैं, एक लेफ़्ट होता है एक राइट होता है। आप उनको बस जैसे प्रेस करोगे, एक जैसे कि एक तरफ से प्रेस किया ये रिलीज़ हो गया, फिर दूसरी तरफ से प्रेस किया तो ये देखो ये बाहर आ गया। ये बाहर आने के बाद इसको आप चेंज कर सकते हो, ये मार्केट में ईजी मिल जाता है और सस्ता ही होता है। इसके लिए अपने को कोई ऐसा नहीं होता कि भाई प्रिंटर को उठा के मार्केट ले जाए और उसको चेंज करवाए किसी और से। ये आई थिंक घर के अंदर सबसे, अगर आपके पिकअप रोलर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेपर मतलब प्रिंटर कोई पेपर नहीं उठा पा रहा है, तो ये सबसे इजी मेथड है। इसको आप घर पे ही चेंज कर सकते हो, इसको मतलब प्रिंटर को उठा के रिपेयरिंग वाले के यहाँ ले जाना और फिर वापस कर लाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप इजीली कर सकते हो और इसको वापस भी एडजस्ट करना एज इट इज़ सेम प्रोसेस है, बस रखो एंड होल्ड एंड प्रेस, वो अपने आप सेट हो जाता है। थैंक यू।